हेलो फ्रेंड्स, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो वेस्ट चीज़ों का इस्तेमाल गार्डन में बहुत ही अच्छे से हो जाता है। किचन वेस्ट से लेके हमारा जो बॉटल्स होते हैं, डिस्पोजल होते हैं, वो सारी चीज़ें हम अपने गार्डन में बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम इसी से जो है बहुत ही अच्छे से प्लांटर तैयार करेंगे बॉटल से। तो लेट ना करके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए व्यूअर हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। तो यहाँ पर जो है ढेर सारे बॉटल, जब मैंने इसके पॉट तैयार किए थे तो इसके जो ऊपर का हिस्सा था उसको ऐसे ही रख दिया था। इस पे मैंने आपको जैसे इसका वीडियो भी शेयर किया था कि बॉटल से कैसे पॉट को बनाना है, उसमें किस टाइप के पौधों को लगाना है कि अच्छे से ग्रो करें। तो यहाँ से एक बॉटल में आप इसके दो प्लांटर तैयार कर सकते हो। तो मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो शेयर कर दिया था, तो आज मैं जो है आपको दिखा रही हूँ कि इसके ऊपर के हिस्से से आप कैसे हैंगिंग प्लांटर तैयार करके बनाएं। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, ऊपर का जो हिस्सा था बॉटल का कट करके मैंने इसमें कटिंग पहले ही लगा दिया था, और जगह जगह हमें होल करना है बॉटल में इस तरीके से। तो तीन जगह मैंने होल कर लिया है अच्छे से, ताकि हम इसमें जो है कुछ भी टाई मतलब बांध सके, रस्सी इस तरीके से मजबूत, कोई भी आप उलन ले सकते हैं, उल बहुत ही मजबूत होता है हैंगिंग के लिए। तो मैं ज्यादा ज्यादा से ज्यादा उल का ही इस्तेमाल करती हूँ हैंगिंग बास्केट बनाने के लिए। तो इस तरीके से कटिंग, और मैंने इसमें कटिंग पहले ही लगा दिया था, जब मैंने लगाया था उसका भी वीडियो शेयर किया था कि कई किस टाइप के आपको पौधों को लगाना है। तो आप इसमें किसी भी तरीके के हैंगिंग जो हमारे मतलब पौधे होते हैं इसमें बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, तो आप कोई भी हैंगिंग पौधे इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जगह जगह हम इसमें जो है ऊन को बांध लेंगे तीनों जगह, और तीनों को बराबर इस तरीके से बराबर रखना है साइज में, और इसे जो है बहुत ही ईजिली आप कहीं भी हैंग कर देंगे। तो ये देखने में भी खूबसूरत लगते हैं सारे पौधे। तो मैंने इस तरीके से सारे में सबको मतलब बांध लिया है एक जैसे एक साइज के। तो आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा बांध सकते हैं जहां भी आपको लटकाना है इसको। तो इस तरीके से मैंने सब में लगा दिया है, और सब की कटिंग भी जो है अभी अच्छे से ग्रो होने लगी है, मगर अभी तो इतना खूबसूरत नहीं लग रहा है। जब इसकी कटिंग अच्छे से इसमें बहुत ज़्यादा बुशी हो जाएंगे तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो इस तरीके से जो है आप भी बॉटल से उसके पीछे के हिस्से से उसका नॉर्मल पार्ट बना सकते हो, ऊपर के हिस्से से हैंगिंग में, क्योंकि ये नीचे रखने पे थोड़ा सा दिक्कत होता है, गिर जाता है, मगर इस तरीके से जो है आप इसके बहुत ही अच्छे से हैंगिंग बास्केट तैयार कर सकते हैं। देखने में भी खूबसूरत लगते हैं इस तरीके से हवा में लटकते हुए, और जब इसके मतलब पौधे बड़े हो जाएंगे तो और देखने में खूबसूरत लगेंगे। तो इस तरीके से आप भी जो है वेस्ट चीज़ों का इस्तेमाल कई तरीके से अपने गार्डन में कर सकते हैं। और अगर ये आज का छोटा सा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका लाइक बहुत ही अच्छा रहता है, मतलब कहने के मतलब मोटिवेशन मिलता है कि लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। अगर पसंद आए तो ही करिए, कोई फोर्स नहीं है। तो वीडियो पसंद आए तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।